और फ्लोएम क्या करते हैं बेटा, वो पत्तों से खुराक जो शुगर सॉल्यूशन बनता है उसको लेकर पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। बेटा हम पढ़ने लगे हैं रूट्स, इनसाइड अ रूट, जो रूट जो जड़ होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो बेटा इनसाइड अ रूट बेटा की तस्वीर भी बनी हुई है, पेज नंबर है आपका 17। तो बेटा इनसाइड अ रूट बेटा यहाँ पे देखें, ये तस्वीर बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और बेटा ये एंड पे ये आपके क्या रूट है बेटा, आपने देखो गाजर है, मूली है, आप देखते हो जब हम उसको छोटे छोटे बाल से बने होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं रूट हेयर। जो रूट हेयर्स का क्या काम होता है बेटा, सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द जाइलम ट्यूब्स टू द सिस्टम। यहाँ पर जाइलम ट्यूब से क्या होता है, वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ वर्क कर रहे होते हैं। फ्लोएम क्या करती है बेटा, शुगर फ्रॉम द लीव मूव डाउन द फ्लोएम ट्यूब। फ्लोएम ट्यूब से क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन जो होता है नीचे भी जा रहा होता है और ऊपर भी जा रहा होता है। द शुगर इज यूज्ड बाय द सेल ऑफ द रूट्स इन द रेस्पिरेशन। ये जो शुगर होती है इसको कब यूज करते हैं, वो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बेटा सांस लेने का अमल, ठीक है। इसके बाद बेटा रूट हेयर, रूट हेयर आपको बता दिया मैंने, जैसे गाजर या मूली होता है उसके छोटे छोटे बाल बने होते हैं। रूट हेयर गिव्स अ बिग सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जमीन के अंदर बेटा जड़ होती है, जड़ में रूट हेयर होते हैं जो एक्चुअली रूट हेयर्स होते हैं जो कि वो सॉइल से नमकियात और पानी को जल्द करते हैं। इसके बाद बेटा ये रूट रूट टिप होती है बेटा, यहाँ पे क्या होती है, ये रूट कैप है और यहाँ पे क्या है बेटा, ये रूट टिप, उसकी सिरा जो होता है ये रूट टिप होता है जो कि नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। रूट ग्रोइंग सेल्स एट द रूट टिप, रूट टिप के पास सेल्स बढ़ते हैं जिससे ये नीचे की तरफ हरकत कर रही होती है। द ग्रोइंग रूट टिप इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप। बेटा अब वो और आप देखो कि जड़ क्या होती है, जैसे गाजर होते हैं ऊपर से मोटी होती है लेकिन नीचे से बारीक होती जाती है, ठीक है। अतः वो बारीक होती है मतलब वो नाजुक होती है, उसकी हिफाजत के लिए क्या निजाम बनाया है कि अलग अलग उसको पता है रूट कैप होती है इस तरीके से, जैसे कि ये बारीक सी है ये नीचे जाएगी सारी बात है, बारीक होगी तो नुकसान हो सकता है और नीचे की तरफ नहीं जाएगी, उसके ऊपर इस तरह की रूट कैप होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसको नुकसान नहीं होता, वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और जितना नीचे जाएगी उतना ही ज्यादा वो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी बेटा। इसके बाद बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेटा टेस्ट योर सेल्फ क्या है, टेस्ट योर सेल्फ आपका पेज नंबर बेटा है 17 पे, पेज नंबर 17 पे मैं आपको रीड कर देता हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसका। व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है बेटा, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम enable the water from the roots and food from the leaves to be moved to the rest of the pod, ठीक है बेटा। कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, जो कि पौधे को इस काबिल बनाता है जिससे वाटर और मिनरल्स होते हैं पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं, जो खुराक है वो दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं, ये सब किसमें होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है। व्हाट इज वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल बेटा कल मैंने आपको बताया था कि जाइलम बंडल प्लस फ्लोएम बंडल मिलकर क्या बनाएंगे, वैस्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम टिश्यूज फ्लोएम टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, वैस्कुलर टिश्यूज। आपको यहाँ सुनने में क्या पूछा है, वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल क्या होगा बेटा, आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है एट द एंड, यहाँ पर लिखे जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब आर बंडल टूगेदर इन वैस्कुलर बंडल, ये आपकी बेटा डेफिनेशन होगी वैस्कुलर बंडल की। इसके बाद हाउ आर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, सेम, एक जैसे हैं, बी डिफरेंट मुख्तलिफ हैं, बेटा कैसे सेम है, ठीक है बेटा सेम किस वजह से है बेटा, ये दोनों क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशन लिक्विड्स को लेकर जाते हैं पौधे के दूसरे हिस्सों की तरफ पहुंचाते हैं। देखिए जाइलम क्या करता है बेटा, पानी और नमकियात वाटर एंड मिनरल्स को लेकर जाता है ऊपर और नीचे लेकर जा रहा होता है, और फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तों में खुराक बनती है शुगर सॉल्यूशन होता है उसको ऊपर और नीचे लाकर जा रहा होता है, एक्चुअली क्या करते हैं लिक्विड को लेकर ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, इस वजह से ये दोनों क्या है सेम, ठीक है। अब इनका फर्क क्या है बेटा, हमने पढ़ा था कि जो जाइलम है
वो क्या है बेटा, डेड है, ठीक है, जाइलम इज डेड। जाइलम क्या है, डेड है बेटा, वो जो रिंग बनते हैं, रिंग रिंग बनते हैं, हर साल यह रिंग बनता है, एक्चुअली क्या होता है, जाइलम इज डेड टिश्यू, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा था, xylem is a dead tissue in plants such as trees, new xylem is made each year for building and plant xylem is wood, ye dead hai। aur jo phloem hai, phloem kya beta, phloem is made of living cells, aapka answer kya hai sir, xylem is a dead tissue, xylem dead tissue hai and phloem are made up from living cells, ye aapka answer hai। ke is wajah se same kya hai, dono lectures ko padhne ke liye jaate hain aur different is wajah se hai beta ke wo zinda hai aur wo dead tissue hai। एक्सप्लेन हाउ xylem tube हेल्प सपोर्ट्स अ प्लांट, बेटा वजाहत करें कि xylem tube जो है वो पौधे को कैसे मदद करती है, कैसे वजह देती है। बेटा आपको बताया कि xylem क्या होता है बेटा, वुड होती है, रिंग होती है और वो मेन स्टेम के अंदर होती है और वो मोटी होती है, ठीक होती है, इस वजह से पौधे को क्या करती है, वो सपोर्ट करती है, पौधा अपनी शक्ल को बरकरार रखता है, ठीक है। xylem has a thick wall which helps to protect supports the plant। What happens at the root tip? Root tip में क्या होता है? What happens at the root tip? Root tip में क्या होता है बेटा? ठीक है, root tip वो होती है जहाँ पर पौधा नीचे की तरफ बढ़ता है, root tip वो होती है जहाँ पर जड़ नीचे की तरफ बढ़ती है, पौधा नहीं जड़ बढ़ती है। The root tip is where the root grows। यहाँ से जड़ क्या होती है बेटा, बड़ी होना शुरू हो जाती है। What is the job of the root cap? ठीक है बेटा, रूट रूट क्या है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला रूट कैप क्या करती है बेटा, रूट कैप रूट टिप की हिफाजत करती है, रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप, द रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप एज ग्रोथ थ्रू द सॉइल, जैसे जैसे वो जमीन में नीचे बढ़ती है उसकी हिफाजत करती है। कितना सा आंसर है, रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप, ये आपका आंसर है बेटा। ये आपका लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 5 आपका पेज नंबर 17, ठीक है बेटा। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम इनसाइड अ स्टेम, देखें हमने रूट पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे इनसाइड अ स्टेम स्टक के अंदर क्या होता है बेटा। आपका चैप्टर ये बहुत बड़ा है, जल्दी तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आपने इसको करना है जल्दी से, ठीक है, साथ साथ लाजमी करना आपको होमवर्क इसका, आपका टेस्ट योर सेल्फ, आपका ये क्या आपका होमवर्क है आपका, राइट प्लस लर्न, ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।